तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा और आप सबको अपने चैनल पर वार्मली वेलकम करती हूं। मेरा आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी में आमतौर पर जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं उन सबके जवाब, मेरी खुद की प्रेगनेंसी में पेश आने वाली दुश्वारियों की रोशनी में, यानी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मैं बताती हूं कि मैंने उन तमाम चीजों पर कैसे काबू पाया, कैसे अवॉइड किया। स्ट्रेच मार्क्स इन प्रेगनेंसी, स्किन केयर, क्लींजिंग इन प्रेगनेंसी, स्क्रबिंग, आईज केयर, फ्रेकल्स विद इफेक्टिव रेमेडी, लिप केयर, ब्लैक नेक, रिंकल्स इन प्रेगनेंसी एंड स्किन ग्लोइंग के लिए और भी बहुत कुछ। शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दूं कि स्किन केयर इन प्रेगनेंसी की इतनी डिटेल्ड वीडियो इंटरनेट पर पहले कहीं नहीं है जितनी मैंने बताई है। वीडियो देखेंगे तो खुद अंदाजा हो जाएगा। तो बातों को करते हैं बंद और वीडियो को करते हैं शुरू। स्ट्रेच मार्क्स इन प्रेगनेंसी, इनका कोई पेन वगैरह तो नहीं होता? अगर आपको प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स का डर है कि हो जाएंगे, तो सिर्फ नारियल का तेल नहाने के बाद अपने सारे जिस्म पर अप्लाई करें, मसाज करें या मल लें, क्योंकि नहाने के बाद स्किन काफी सॉफ्ट हो जाती है। तो कोकोनट ऑयल अच्छी तरह से पेनिट्रेट होने की सलाहियत रखता है और अंदर से नरिश करता है। जब आपकी बॉडी मॉइस्चराइज को बरकरार रखती है तो स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम होती ही नहीं। लेकिन अगर स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं तो आई बटन पर क्लिक करके मेरी ये वीडियो जरूर देखिए। एक्स्ट्रा टिप, जब प्रेगनेंसी होती है तो काफ़ी खवातीन कंघी, ब्रश या किसी भी हार्श चीज़ के साथ ख़ारिश करती हुई नज़र आती हैं, ऐसा मत कीजिए, बल्कि ड्राई टॉवल के साथ ख़ारिश करें। इससे भी आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच मार्क से बचा सकती हैं। इसके साथ साथ ब्रेस्ट निप्पल को भी अच्छी तरह ऑयल के साथ तर करें, वरना जब बच्चा पैदा होने के बाद फीड करता है तो बहुत पेन होती है और दूध पिलाने वाली जगह पर क्रैक्स पड़ जाते हैं, फ्लेकी हो जाती है और खून रिसना शुरू हो जाता है, जो बहुत बहुत तकलीफ का बायस बनता है। क्लींजिंग इन प्रेगनेंसी, अगर आपको डर्ट या मेकअप को रिमूव करने के लिए क्लींजिंग की जरूरत पड़ ही जाए तो कच्चे दूध का इस्तेमाल सबसे अच्छा है। ये एक बेहतरीन क्लींजर है। अगर आपकी स्किन सर्दी की वजह से ड्राई रहती है तो दूध में शहद और ऑयली स्किन वाले लीमू का रस ऐड करके दूध के साथ अपने फेस की क्लींजिंग कर सकते हैं। अगर आप बाजारी प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो किसी भी अच्छी कंपनी का क्लींजर यूज करने के बजाय क्लींजिंग मिल्क यूज कर सकते हैं। स्क्रबिंग इन प्रेगनेंसी, इन दिनों में ज़्यादा केमिकल्स और हार्श चीज़ें यूज़ ना करें। मैं खुद जो स्क्रब यूज़ करती थी इन दिनों में, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही कमाल का है। तो सिंपली चावलों के पानी में बेसन ऐड करके स्क्रब बनाएं, ये हर तरह की स्किन के लिए सूटेबल है। और जर्स तो पूछे ही मत, ये स्क्रब आप हफ्ते में दो बार इस्तेमाल कर सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इससे आपके चेहरे की तमाम डेड स्किन उतर जाएगी और चेहरा बहुत ही नरम मुलायम नज़र आएगा। आई केयर इन प्रेगनेंसी, अगर आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ गई हैं तो आप सिर्फ अंडे की सफेदी लगाएं और खुश्क होने के बाद ठंडे पानी से धो लें। इस अमल को एक दिन छोड़कर कर सकते हैं, एक माह के बाद झुर्रियां गायब होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आंखों के नीचे हल्के हैं तो ठंडे कहवे या ठंडी चाय में रुई भिगोकर हल्कों पर और आंखों पर रखें 5 से 10 मिनट। आंखों को सुकून मिलेगा और हल्के भी कुछ ही दिनों में खत्म होना शुरू हो जाएंगे। फ्रेकल्स इन प्रेगनेंसी, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है और मैं खुद अपनी प्रेगनेंसी में इस मसले का शिकार हुई, तो मैं क्या करती थी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। लेकिन कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के बाद भी चेहरे पर छाइयां रह जाती हैं और अजीब से धब्बे पड़ जाते हैं, और वो इतनी जिद्दी होती हैं कि किसी भी महंगी दवाई से भी नहीं उतरती। तो ये बॉडी में आयरन और विटामिन सी की कमी से पैदा होते हैं, इसलिए आपने हर मुंह एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच शहद और आधे लीमू का रस ऐड करके रोजाना पिए। इससे आपकी छाइयां और दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, लेकिन ये ड्रिंक बच्चा पैदा होने के बाद ही इस्तेमाल करें। तो अब बात करेंगे उस रेमेडी की जो बहुत इफेक्टिव है इन दिनों में भी और प्रेगनेंसी के बाद भी। खरबूजे के बीज लें और इसे पीस लें। अब एक अदद केला इसमें मैश करके डालें और बस आपका पेस्ट रेडी है। अपने चेहरे पर अप्लाई करें, इसका कोई भी नुकसान नहीं और इसके फायदे बेशुमार हैं। आप एक वीक में ही इसके रिजल्ट खुद महसूस करेंगी। अगर आपकी रंगत काली महसूस होती है और उस पर ग्लो नहीं है तो भी ये आपकी रंगत को फेयर बना देगी, और ये मेरी अपनी आजमाई हुई रेमेडी है। अगर आप इस रेमेडी के मुकम्मल डिटेल जानना चाहते हैं तो ये वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। लिप्स केयर इन प्रेगनेंसी, बस रात को सोने से पहले दूध की बलाई लगाएं और सो जाएं। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर ज्यादा ड्राइनेस महसूस हो तो 10 दिन में एक बार स्क्रब कर सकती हैं, वरना दूध की बलाई ही होंठों को बिल्कुल फ्रेश फील करवा सकती है। लेकिन जिन खवातीन के होंठ बहुत ज्यादा काले हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, वो लीमू काट कर चीनी के साथ स्क्रब कर सकती हैं वीक में एक बार। इससे तमाम स्याही उतर जाएगी। ब्लैक नेक इन प्रेगनेंसी,
ये मसला मेरे साथ तो नहीं हुआ बट बहुत सारी खवातीन के साथ होता है कि गर्दन बिल्कुल स्याह हो जाती है। तो बस आपको करना क्या है, दही लें और उसमें लीमू का रस ऐड करें और 20 मिनट्स के लिए अपनी स्याह गर्दन पर अप्लाई करें, फिर देखें कैसे फ़र्क आता है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल नेचुरल हैं तो डरने की तो कोई बात नहीं। यहाँ पर एक बात को ज़रा नोट कर लीजिए कि जो भी चीज़ें आपको बता रही हूँ सिर्फ वही यूज़ करें क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल है और ज़्यादा स्याने बनकर कोई और चीज़ अपनी तरफ से ऐड करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। रिंकल्स इन प्रेगनेंसी, बस इसके लिए आपको करना यह है कि जैतून का तेल और बादाम का तेल मिक्स करके अपने पास रख लें और रोज़ाना इस तेल से 5 मिनट तक मसाज करें। अगर ऑयल थोड़ा सा गर्म कर लें तो क्या ही बात है। और अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स नहीं है यानी कि उनकी स्किन पर रिंकल्स वगैरह का कोई इशू नहीं है तो वो भी ये मसाज ज़रूर करें ताकि जिल्द बहुत अच्छी रहे और ग्लो भी करे। मैं आप लोगों को अपना बताती हूँ कि मैं इस मसाज को पूरे नौ माह ज़रूर करती थी रात को सोने से पहले। अगर आप लोगों को रिंकल्स का इशू आम दिनों में भी रहता है तो आप ये मसाज फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ परहेज हैं वो भी जरूर याद रखें, जैसे ज्यादा फ्रेग्रेंसेस यूज ना करें और ना ही ज्यादा फ्रेग्रेंसेस वाली डाइज, हेयर रिमूवल क्रीम्स वगैरह। इसके साथ साथ कोई फार्मूला क्रीम्स, स्किन पॉलिश या ब्लीचिंग वगैरह को भी बहुत कम इस्तेमाल करें क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से स्किन मोर सेंसिटिव हुई होती है। ज्यादा खाएं लेकिन हेल्दी खाएं। हर चीज खाने से आपका बच्चा मोटा नहीं होगा लेकिन डिलीवरी के बाद आप खुद जरूर मोटी हो जाएंगी। और कुछ खवातीन ये भी पूछती हैं कि प्रेगनेंसी में वैक्स करवानी चाहिए या नहीं, तो वैक्स आप करवा सकती हैं और मेकअप को रिमूव करने के लिए आप कोई ऑयल वगैरह यूज कर सकती हैं। बहुत उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। व्हाट्सएप पर उन लोगों के साथ भी शेयर कर दें जिनके घर बच्चा नहीं होने वाला। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।